गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। जस्ट मिनट। ओके, सो देयर इज नो इको नाउ। सो स्टूडेंट्स, यू थिंक दैट व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पिक्चर टुडे? ओके, सो If any student is here remaining to join, so all students must join as early as possible. And you have a question, why I'm sharing this picture now? Think today is no friends today. Because this picture is shown a relationship between friendship, relationship between friends. Okay, so what is the reason behind I'm sharing this? Because I think there is many days I'm not telling any story to you. Okay, and this picture shows that my today's story's topic. So, students, are you interested in my story? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. So, today's story, दो दोस्तों के बीच में, there is two friends, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी. एक की उम्र 10 ईयर, दूसरे की 6 ईयर. बहुत ही छोटे फ्रेंड थे, लेकिन आपस में दोस्ती बहुत गहरी थी. दोनों क्या कहते हैं, साथ में खेलते थे, खाते पीते भी साथ में थे, इवन नदी में नहाने भी साथ में जाते थे. बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में. फिर क्या हुआ कि एक दिन वो खेल रहे थे दोनों, और खेलते खेलते गाँव के बाहर आ गए, अपने गाँव से बाहर आ गए. और क्या हुआ कि एक्सीडेंटली जो बड़ा लड़का था, यानी जो 10 साल का लड़का था, वो कुएं में गिर जाता है. अब ये गांव के बाहर, और जो बच्चा कुएं में गिर जाता है उसको तैरना नहीं आता. उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ. अभी जो 6 ईयर का लड़का था वो बहुत छोटा था, उसने अपने आस पास देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया. वो भी बहुत परेशान हो गया जब उससे कोई भी नजर नहीं आया. फिर उसने ध्यान से आसपास देखा तो उसे एक बकेट दिखी जिसमें रोप थी, यानी रस्सी से बंधी हुई बकेट थी. तो उसने वो बकेट, क्या कहते हैं, बिना सोचे समझे कुएं में डाल दी, और अपने फ्रेंड से बोला कि बकेट को पकड़ लो, बाल्टी को पकड़ लो, मैं ऊपर खींचता हूँ. 10 साल के बच्चे ने, क्या कहते हैं, कि बकेट पकड़ लिया. और वो 6 साल के बच्चे ने अपनी पूरी चीजा पूरी ताकत से, जितना उसके अंदर हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, उससे भी अधिक उसने लगाया और रोप को ऊपर खींचा. खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसके अपने दोस्त को बचा नहीं गया. तो अभी ये चीज हो गई, सेफ हो गए. लेकिन छोटे बच्चों में क्या डर रहता है, सेम डर उनको भी था कि अगर ये बात घर में पता चली, गांव में, यानी मम्मी पापा को पता चली तो क्या होगा. अगर ये बात मम्मी पापा को पता चली तो क्या होगा, वो तो हमको डांटेंगे मारेंगे भी कि क्यों गया इतने दूर, किसने बोला था जाने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में तुम लोग फंस गए. अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, फिर हम लोग क्या करते. तो उन लोगों के दिमाग में यही सारी चीजें चल रही थी कि अगर हमने गांव में बताया तो सब लोग हमको डांटेंगे मारेंगे और ये बोलेंगे कि आगे से ऐसा कभी नहीं करना और इतने दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी तुम लोगों को. लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने अपने घर वालों को ये चीज बताई तो उनकी बात का किसी ने विश्वास ही नहीं, किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि जो 6 साल का बच्चा है वो 10 साल के बच्चे को
कुएं से बाहर खींच सकता है, किसी को भी बिलीव नहीं हुआ। और वो लोग सबको समझा रहे, नहीं सच है, ऐसा हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट में किसी को भी बिलीव नहीं हुआ। तो वो बच्चे भी परेशान। फिर क्या हुआ कि गांव में एक जैसे बूढ़े काका टाइप में रहते हैं ना, जो भी बात सब लोग सुनते हैं, तो जब उन बच्चों ने उन काका को, ये दादा को ये बात बताई कि काका ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा ऐसा किया, तो उन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। तो जब उन्होंने बच्चों की बात पे विश्वास किया, बिलीव किया, तो गांव वालों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि गांव वाले भी बहुत आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, क्योंकि कुछ भी गांव में होता था तो सबको सजेशन वही देते थे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। गांव वालों को बहुत अजीब लगा कि अगर ये दादा इनका सपोर्ट कर रहे हैं, दादा बोल रहे हैं कि नहीं बच्चों ने किया होगा ऐसा, तो हो सकता है। तो क्या हुआ कि सभी गांव वाले मिलके दादा के पास गए और बोले कि दादा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे होगा। तो दादा ने क्या बोला कि कैसे हुआ, ये तो बच्चों ने बताया ना कि ये बड़ा वाला लड़का कुएं में गिर गया था, इसने बाल्टी फेंकी, इसने बाल्टी पकड़ी और इसने रस्सी से बाहर खींच लिया, जैसा बच्चों ने बताया वैसे ही हुआ। तो फिर सब गांव वाले एकदम चुप। तो फिर दादा ने बोला कि आप लोगों का क्वेश्चन ये नहीं हुआ कैसे हुआ, आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्यों हुआ, कि क्यों हुआ ऐसा पॉसिबल कि एक 6 साल के बच्चे ने एक 10 साल के बच्चे को कुएं से रस्सी से खींच के बाहर निकाल लिया, क्यों हुआ ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दिस इवेंट और दिस इंसिडेंट विल हैपन। तो गांव वालों ने पूछा कि दादा फिर आप ही बताइए क्यों हुआ। तो दादा ने कहा कि इस बच्चे ने क्या बोला कि जब 10 साल वाला लड़का कुएं में गिरा और उस 6 साल के बच्चे ने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था, कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते, कोई भी नहीं था ये बताने के लिए कि तुम अपने दोस्त को इस रस्सी की मदद से बाहर नहीं खींच सकते हो, इसलिए वो कर पाया। इवन वो बच्चा खुद भी उस समय नहीं था खुद से ये कहने के लिए कि वो ये नहीं कर सकता है, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि क्या कहते हैं कि सामने वाले के अंदर कैपेबिलिटी होती है, हमारे अंदर कैपेसिटी होती है सारी चीजों को करने की, लेकिन हमसे ये बोला जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तुम अभी छोटे हो तो तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि तुम ये कर पाओ। ओके, उस बच्चे ने ऐसा करके सिर्फ इस वजह से दिखा पाया, क्यों, क्योंकि उस समय उससे जो गांव वाले थे जिनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये बच्चा ये कर पा रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि अगर उसमें से कोई भी वहां पे होता तो ये पॉसिबल हो पाता, नहीं, क्योंकि उनको लगता है, अभी भी लग रहा था कि वो 6 साल का बच्चा अपने 10 साल के फ्रेंड को कुएं से बाहर नहीं खींच सकता। तो दिस इज द रियलिटी, समटाइम व्हाट हैपेंड कि आपके अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटी होते हुए भी आप इस बात से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सामने वाला पर्सन ये करता है, ये आप नहीं कर सकते हो। तो दादा ने इसका रीजन यही बताया कि
कि वहां पे ऐसा कोई नहीं था कि जो इस बच्चे से ये कह सकता था कि तुम ये नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये बच्चा ये करता है। सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि आपको खुद पे बिलीव करना है। अगर आप किसी चीज का एम बनाते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द एम, और एम सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, ये बिलीव करना है कि आप ये कर सकते हैं, ये आपसे ही हो सकता है, क्योंकि बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हो रहे हैं, जो भी अचीवमेंट हो रहे हैं, आपके पास दो हाथ दो कान, सॉरी दो हाथ दो कान, एक नाक दो आंख, बॉडी सब कुछ है, बाकी लोगों के पास भी है। बाकी लोगों के पास भी 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, दिन में 24 ही घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, तो फिर वो इतने कामयाब हैं, आप नहीं हैं, क्यों? कोई बोलेगा पैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, फिर उन्होंने काम करना शुरू किया तो बहुत आगे गए, ठीक है ना। तो मेन सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने ऊपर बिलीव करिए। व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है ना। तो यस वैष्णवी, एनी क्वेश्चन वैष्णवी? ओके नो सर। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, यू नो यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। ओके सो मेन क्या है कि आपको ओके, तो आपको बिलीव करना है कि एम सबसे पहले क्या है कि एम बनाना है, मोटो कि आपको करना है, ठीक है ना। और उसके बाद सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। आपने सभी ने स्वामी विवेकानंद का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। उनकी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी भी आपने सुनी होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे जिन्होंने बहुत लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम से बहुत इंस्पायर होते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम के भी आइडियल स्वामी विवेकानंद जी थे। इसी तरह बहुत सारे लोगों के जो आइडियल हैं वो स्वामी विवेकानंद जी थे और हैं भी, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद एक नदी के किनारे खड़े थे, तो और नाव का वेट कर रहे थे, नाव का इंतजार कर रहे थे। तो वहां पे एक साधु पहुंचा, तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं विवेकानंद हूँ। तो साधु ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि नाव का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो उसने कहा कि अरे आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं और आपको नदी पार करना नहीं आता है, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। तो उसने क्या कहते हैं कि पानी के ऊपर चल के नदी पार किया, फिर पानी के ऊपर चल के वापस आ गया।
और फिर कहा कि देखिए, मेरे अंदर इतना ज्ञान है और ऐसी शक्तियां हैं, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जैसे, जिनके पास कोई शक्तियां नहीं है और बहुत ज्ञान भी नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया उनको जानती है। तो स्वामी जी मुस्कुराए और इतनी बातचीत चल रही थी तो उसमें उतनी देर में नाव आ गई। नाव आ गई, स्वामी जी ने कहा कि चलिए साथ में नाव नदी पार करते हैं। नाव में बैठे और उन्होंने नदी पार किया। स्वामी जी ने उस साधु से पूछा कि आपने अभी ये जो दिखाया पानी के ऊपर चल के, कितना समय लगा आपको इसको करने में? तो साधु ने कहा कि 15 साल, 15 ईयर। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने नाव वालों को कितना दिया? तो साधु ने कहा 1 रुपए। कहा यानी 50 पैसे आपके? तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि 50 पैसे की वैल्यू का जो शक्ति है, जो नॉलेज है, जो कि 50 पैसे में हो सकता था, उसके लिए आपने 15 साल लगाए। और यही 15 साल अगर आप सोशल एक्टिविटी में लगा रहे थे, दूसरों की सेवा में लगा थे, तो आपको भी सब कोई जानता, ठीक है ना? तो अपना टाइम और एनर्जी राइट वे में यूटिलाइज करना चाहिए। ओके ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, दिस पीपीटी आई ऑलरेडी शेयर टू यू। सो आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर वेयर आई एम स्टॉप इन प्रीवियस लेक्चर। सो फ्री हैंड स्केचिंग और फ्री हैंड ड्राइंग। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ दिस फ्री हैंड स्केचिंग? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई स्टॉप। सो स्केचिंग ऑफ अ स्मॉल सर्किल इज ओवर, स्केचिंग ऑफ अ लार्ज सर्किल इज ऑल्सो ओवर, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इज ऑल्सो ओवर। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इज टू टाइप, एक्सोनोमेट्रिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। दीज आर टू टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। सो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ऑलरेडी ओवर। देयर इज थ्री टाइप ऑफ एनोमेक्सी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। What are the basic difference? First, we can see that if there is an angle ABC and all the angle are equal, then this is the isometric. If ABC is the angle and B is 90 degree and A and C two angle are equal to each other, then this is the diametric angle. And if there is ABC and ABC is not equal to each other, मतलब all three में से कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल में नहीं है, then this is the trimetric projection. So these things is already covered. So oblique projection is also over. These three are the example of oblique projection, where this angle, see,
दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एंड हियर इज ऑब्जेक्ट लाइन. सो द बेस ऑब्जेक्ट लाइन इज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू दिस, आर आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्शन. सो फर्स्ट कैवलियर where full scale is presented, see here, and cabinet where the half scale is presented with the oblique projection. So isometric projection versus isometric scale, isometric projection versus isometric sketch. So this is, I think, all so completed, but I'm starting from here. Okay, so here we can see that this green color is a plane, and this is our object, and the projection of this object is rested on the plane. Means ये आपका एकदम perpendicular projection हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके परपेंडिकुलर है. फिर क्या करते हैं कि हम इस जो ऑब्जेक्ट को है टिल्ट करते हैं, ठीक है, कितना, 45 डिग्री. इसको हमने 45, मतलब ये जो एज है वो यहाँ पे सामने आ जाती है, 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं. उसके बाद अगर हम प्रोजेक्टेड करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमको सिंगल फेस दिख रही थी, वी सी सिंगल फेस हियर, हियर वी गेट टू फेसेस, वन एंड टू, एंड अगेन वी टिल्ट 30 डिग्री 16 मिनट. 30 डिग्री 16 मिनट मीन्स क्या हुआ कि अभी हमने इस फेस को ऐसे रखा, फिर ये जो अपर फेस है ना इसको ऊपर की डायरेक्शन है, मतलब ये जो एज है यहाँ से अगर हम ये एंगल खींचे तो ये आपका ये जो एंगल है इतना रोटेट कर देगा, 35 डिग्री 16 मिनट. सो अभी क्या होगा कि अभी यहाँ पे जो हमको प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे हमको थ्री फेस दिखेगा, ये अपर फेस, दिस फेस एंड ए, इस साइड का फेस भी हमको शो होगा, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ही प्लेन है जहां पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक में हमको वन फेस दिख रहा है, दूसरे में हमको टू फेस दिख रहा है, थर्ड में हमको थ्री फेस दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन एंड रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि हम प्लेन को, प्लेन की पोजीशन, जिस प्लेन पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसमें कोई भी रोटेशन या मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो रोटेशन एंड मूवमेंट इन द प्रोजेक्शन प्लेन, वी ओनली रोटेटिंग आर टिल्टिंग द ऑब्जेक्ट. सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका रोटेशन चेंज कर रहे हैं, जो प्रोजेक्शन प्लेन है उसको कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन द प्रोजेक्शन प्लेन. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ पे किया, अभी देयर इज अ फेस एंड देयर इज अ कॉर्नर. सो ऑल इज और शॉर्टन अबाउट 0.8 टाइम्स. तो 0.8 टाइम्स या फिर पॉइंट एक्यूरेट हमने कितना निकाला था, 0.815, ठीक है ना. तो अगर हम 0.8 भी ले रहे हैं तो देन दैट इज सफिशियंट, बिकॉज कि अगर हमको क्या कहते हैं कि डिसिमल के बाद अगर डिजिट्स रिमूव करनी रहती है तो क्या करते हैं, जैसे पॉइंट है 815 है, ठीक है ना. तो अगर हमको ये 5 रिमूव करना है, मतलब ये रिमूव करना है,
तो क्या करेंगे कि अगर ये नंबर यहाँ पे जो भी नंबर है अभी तो 5 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जो नंबर है वो 5 से लेस देन होता है, 5 से छोटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 ऐड होती है। मतलब अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 होता, 5 की जगह 4 होता तो इसको हम लिखते 8.5, ऐसे ही रिमूव कर देता, लेकिन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.2, ठीक है ना। अभी हमको ये नंबर भी रिमूव करना है तो क्या होगा, अभी जो 2 है वो 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, देन यहाँ पे कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा 0.8, क्या हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पे ही 0.8 टाइम्स इसी ले लिया गया है, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं कि आपका 9/11 अगर हम करते हैं तो देन इट इज अ लार्ज नंबर आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम अगर उसको 1 डिजिट में लेंगे दैट इज द 0.8। ओके, सो नाउ आइसोमेट्रिक स्केच, व्हाट इज द आइसोमेट्रिक स्केच। सो आइसोमेट्रिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक व्यू दैट इज ड्रॉन इन फुल स्केल। सो जैसे मैंने आपको शीट प्रोवाइड किया है, शीट नंबर 3 एंड शीट नंबर 4, तो शीट नंबर 4 आपका क्या है, हम कह सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, वेयर वी यूज आइसो स्केल, एंड शीट नंबर 3 इज आइसोमेट्रिक स्केच वेयर वी यूज नॉर्मल स्केल। मतलब जो डायमेंशन गिवन है हम सेम डायमेंशन ले रहे हैं, ओके, दैट इज द आइसोमेट्रिक स्केच। ओके, सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ट्रू प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक स्केच इज फुल साइज। सी द डिफरेंस, इसका साइज फुल स्केल में है और ये 0.8 टाइम्स है, या फिर 20%, इसकी सारी एजेस 20% रिडक्शन में है। ओके, ओरिएंटेशन ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक एक्सिस कैन बी आर्बिट्रेरीली ओरिएंटेड टू क्रिएट डिफरेंट व्यू ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। रेगुलर आइसोमेट्रिक, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये चीज व्यू पॉइंट इज लुकिंग डाउन द टॉप, लुकिंग डाउन ऑन द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये देखिए, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू से ये डाउन में है। नेक्स्ट रिवर्स एक्सिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, जब बॉटम से देखेंगे तो वो अप हो जाएगा, ठीक है। व्यू पॉइंट इज लुकिंग अप ऑन द बॉटम, टॉप से बॉटम में दिख रहा है और बॉटम से टॉप पे दिख रहा है, ठीक है ना, बॉटम से टॉप पे और टॉप से बॉटम में। लॉन्ग एक्सिस, सी दिस इज द व्यू पॉइंट इज लुकिंग फ्रॉम राइट और लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट से हम देख सकते हैं, जैसे इस साइड से देख रहे हैं तो ये, और अगर हम इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा, लेकिन इस साइड से अगर हम देखेंगे, इस साइड से विजुलाइज करेंगे, देन द डायग्राम इज लुक लाइक दिस फ्रॉम दिस साइड। सो डिस्टेंस इन आइसोमेट्रिक स्केच, ट्रू लेंथ डिस्टेंस शोन अलोंग द आइसोमेट्रिक लाइन। आइसोमेट्रिक लाइन इज द लाइन दैट रन पैरेलल टू एनी ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सिस। सो देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन आइसोमेट्रिक लाइन एंड आइसोमेट्रिक एक्सिस। सो दिस इज आइसोमेट्रिक एक्सिस व्हिच इज सीन हियर। तो अभी यहाँ पे जो भी एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस
और ये मैं लाइन कर रहा हूँ, तो दिस इज द लाइन, आइसोमेट्रिक लाइन विच इज पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस। सो सी दिस ब्लैक लाइन, दिस ब्लैक लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। सो इफ आई पुट दैट दिस इज जेड, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, सो दिस ब्लैक लाइन इज पैरेलल टू पाई एक्सिस। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड नाउ दीज थ्री लाइन्स पैरेलल टू जेड एक्सिस। ओके, उसके बावजूद भाई ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, ठीक है, इतनी सारी लाइन है, तो ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस बोलते हैं इसको, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन जो कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये देखिए रेड लाइन, रेड लाइन इज नॉट अ आइसोमेट्रिक लाइंस, ठीक है, देखिए नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। ओके, सो अगेन स्केच फ्रॉम एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन विच इट्स शेप एंड फीचर आर क्लियरली सीन। तो हमको क्या रखना है कि जो प्लेन है, प्लेन की पोजीशन फिक्स रहती है, वी जस्ट रोटेट द ऑब्जेक्ट एंड टेक अ स्पेसिफिक पोजीशन वेयर ऑल द आर मैक्सिमम डायमेंशन, मैक्सिमम स्पेस इज विजुअलाइज, डिफाइन एज एन आइसोमेट्रिक एक्सिस, स्केचिंग द इनक्लोजिंग द बॉक्स। ठीक है, तो पहले तो एक्स डिफाइन करनी है, एक्स वाई जेड, एंड स्केचिंग द इनक्लोजिंग, फिर एक बॉक्स या फिर सिलेंडर ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपका कंपोनेंट या फिर ड्राइंग ड्रॉ होनी है। एस्टिमेट द साइज एंड रिलेशनशिप ऑफ ईच डिटेल्स, डार्कन ऑल विजुअल लाइंस। सो दीज आर द स्टेप्स व्हाई वी क्रिएट द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सो स्टेप्स पोजिशनिंग, ठीक है, तो ये देखिए पोजिशनिंग में क्या रखा कि ये जो एज है, ये पर्टिकुलर एज है, तो यहाँ पे हमने कैसी पोजिशन बनाई, ये देखिए कि यहाँ से 30 डिग्री और इधर से ये एज 30 डिग्री में रहे। सिलेक्ट आइसोमेट्रिक एक्सिस, तो यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लिया और यहाँ पे सेम आइसोमेट्रिक एक्सिस की पोजीशन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्केच इनक्लोजिंग बॉक्स, तो अभी एक बॉक्स बना लिया, ठीक है ना, तो बॉक्स में क्या है कि यहाँ से 30 डिग्री की लाइन और ये 30 डिग्री की लाइन, तो अभी हम देख रहे हैं कि इस साइड में लॉन्ग है, ठीक है ना, ये साइड लॉन्ग है, तो इस साइड हमने लॉन्ग फेस रखा और इस साइड शॉर्ट फेस रखा, ठीक है। ऐड द डिटेल, अभी डिटेल ऐड करना है, ये देखिए यहाँ से ये, ठीक है, और ये इसके सेंटर में है, तो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द लाइंस वेयर शोइंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्केच, ठीक है। अभी यहाँ पे दिस डिटेल, तो ये डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी जस्ट एडिंग, यहाँ से ये पॉइंट, इधर से ये पॉइंट, एंड डार्कन द विजुअल लाइन, तो विजुअल लाइन जो भी यहाँ पे दिख रही है इसको डार्क किया, एंड स्केच इज कंप्लीटेड। सो दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन इज नो नीड, बट दीज आर द एक्सिस। सो यहाँ पे ये डार्क नहीं है, दिस इज द 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री,
ओके, सो वन मोर एग्जांपल, पोजिशनिंग, ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स किया, देन सिलेक्ट द एक्सिस, एक्सिस सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेम एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, स्केच इंक्लूजिंग बॉक्स, तो अभी इंक्लूजिंग बॉक्स ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट, एडिंग दी डिटेल्स, मतलब पोजीशनिंग जो भी डायमेंशंस है, अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर टोटल 6 पॉइंट इज दियर एंड वी हैव टू पॉइंट दिस पॉइंट ऑन दिस बॉक्स। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4, 4 तो ये आपका एक्सिस ही है, ठीक है ना, तो टोटल ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इसको ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अभी हमको ये पॉइंट शो करना है, ठीक है ना, ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट अभी और शो करना है। देखिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट शो गए, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, ये लाइन आपने मैच कर दी है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे फिगर आउट किया, 1.2 पॉइंट, 1.2 पॉइंट, और यहाँ पे इसको इस वे में मैच कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस ऑब्जेक्ट। सो नोट, इन आइसोमेट्रिक स्केचिंग आर ड्राइंग, हिडन लाइन आर ओमिटेड अनलेस दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या है कि अगर नेसेसरी नहीं है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, जो आइसोमेट्रिक लाइंस हैं, मतलब एक्सिस को छोड़ करके, ठीक है ना, एक्सिस, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है, एक्सिस को छोड़ करके बाकी की जो अननेसेसरी लाइंस हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। स्केच फ्रॉम मल्टीव्यू ड्राइंग्स, ठीक है ना। अभी क्या कि हमने को आइसोमेट्रिक व्यू था, आइसोमेट्रिक व्यू से हमने ड्राइंग ड्रॉ की, सेम ड्राइंग, ठीक है ना। मीन्स ये आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, रियल ऑब्जेक्ट, और उससे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर ली सिमिलरली। लेकिन अभी क्या है कि मल्टी व्यू, जिसमें आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू गिवन है, उसके थ्रू आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इंटरप्रिट द मीनिंग ऑफ लाइंस एरिया इन द मल्टी व्यू ड्राइंग, ठीक है ना। आप मीनिंग समझना है कि लाइन और एरिया जो तो हो रहा है उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लोकेटेड लाइन आर सरफेस रिलेटेड टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैज ओनली नॉर्थ, टॉप, फ्रंट एंड साइड, ठीक है। ये क्या एक तरीके का आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी विड्थ और ये और डेप्थ और ये हाइट आपको गिवेन है, ठीक है। तो अभी इसका क्या, हमने रेगुलर एक्सिस ले लिया और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, तो ये तीनों कॉमन पॉइंट यहाँ पे शो हुए, 1, 2, 3, जो थ्री व्यू में कॉमन पॉइंट है वो यहाँ पे शो किया है, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट अभी आपका फ्रंट व्यू, तो ये जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक्सिस, यहाँ से ये एक्सिस लिया, कट किया, ठीक है, ये डिस्टेंस लिया, इधर से ये कट किया, ठीक है। उसके बाद ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करके ये फेस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका W हो गया और ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ठीक है। H एंड W, अब रिमेनिंग क्या बचा है, D।
तो डी हमको इस साइड पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये साइड भी हो गया, यहाँ से डी कट किया, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इधर से मिलाया और ये आपका डी हो गया। उसके बाद नथिंग बट वी जस्ट मेड दिस लाइन डी एंड हियर इज स्टॉप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया जिसका टॉप भी फ्रंट भी और साइड भी गिवन, ओके। एंड वी कैन मेक दिस टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू कन्वर्टिंग इन द आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। रिवर्स, अभी यहां से रिवर्स, इसी को रिवर्स में बनाना है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, ये बॉटम व्यू आ जाएगा। तो सेम 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लिया हमने, ठीक है ना, और फ्रंट व्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये साइड, देन ये बॉटम, बॉटम व्यू जो टॉप दिख रहा था वो बॉटम दिखेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स में है, यहाँ पे ये टॉप दिख रहा था, यहाँ पे बॉटम दिखेगा, ऐसा, ओके। ऑब्जेक्ट हैज इंक्लाइन सरफेस, सो सम इंक्लाइन सरफेस है लाइक दिस, डब्ल्यू नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, मतलब ये किसी भी एक्सिस के एक्स वाई जेड के पैरेलल नहीं है, सो दीज आर दी नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस, ठीक है। अभी ये 30 30 मीन्स 120 120 एंड 120 सेम, तो ये पॉइंट यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है ना। अभी ये फ्रंट व्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू जो हम यहाँ से देखेंगे तो ये सारी चीजें हमको दिखेंगी जो ये फ्रंट में है, ओके। तो फ्रंट का शेप हमको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये थिकनेस है, तो मतलब ये डी है, इसको हम डी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डी हो गया, अभी उसमें हमको ये चीज शो करनी है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये वाई लेंथ यहाँ पे जो है वो लिया और उसको यहाँ पे शो करेंगे, वाई ये लाइन, ठीक है। फिर ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ से वाई है और यहाँ से एक्स हो जाएगा, एक्स पॉइंट आउट किया। अभी इन दोनों का ये कॉर्नर पॉइंट है, मतलब अभी ये यहाँ से हम मिला देंगे और ये यहाँ से, सॉरी दिस मीट हियर, ओके। सी तो ये मैच हो गया, नेक्स्ट टॉर्किन कर लेंगे लाइन को, ये देखिए ये यहाँ से ये फेस टॉर्किन हो जाएगा, यहाँ से ये फेस टॉर्किन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट आपका ऐसा ड्रॉ होगा, और ये हमने सपोर्ट के लिए ड्रॉ किया था, तो इसको डार्केन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अभी ये देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, लेकिन ये लाइन, ये जो एक्सिस है, यानी मींस ये जो साइड, ये क्या है, ये इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, बिकॉज दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू एनी आप आइसोमेट्रिक एक्सिस। सो नाउ दिस एग्जांपल, सो इन दिस एग्जांपल व्हाट हैपेंड, सी टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू इज गिवन एंड व्हाई साइड व्यू इज नॉट गिवन, बिकॉज़ द एरिया इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ साइड व्यू, ऑल द डायमेंशन वी गेट फ्रॉम दिस टू व्यू, ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ से एक्सिस का ओरिजिन हो जाएगा, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, ओके।
तो ये फ्रंट है, तो हमको ये दिखना चाहिए यहाँ पे, ये एल शेप हमको यहाँ पे दिखना चाहिए, सी ये देखिए। तो उसके लिए ये बॉक्स बना लिया है, तो इसी बॉक्स में हमको एल शेप ड्रॉ कर देना है। तो देखिए कैसा होगा। ये ऐसा यहाँ पे कुछ शेप बनेगा, ठीक है ना। और ये पूरा इस साइड में, और यहाँ पे जो सरफेस होगा वहां पे हम होल दिखाएंगे। लेट्स सी फ्रंट व्यू, सी ये यहां तक शेप हुआ। नाउ ये अपर का हुआ, सी ये फेस दिस साइड, एंड नाउ डी ये कट करना है। तो ये फेस टॉप का यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। देन अगेन जस्ट मिनट, ई ये यहाँ पे, ये ई यहाँ पे, सी दी ई दिस फेस। ओके नाउ एफ दिस फेस, ये आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे। ओके सो दिस फेस इज जनरेटेड। नाउ अभी क्या रिमेनिंग है, ये होल। तो वी हैव टू शो दी होल नाउ। तो उसके लिए एक्स वाई सेंटर लेना है, तो एक्स से कितनी डिस्टेंस है और वाई से कितना डिस्टेंस है वो लेना है। मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो, सॉरी यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो। सो गिवन एक्स वाई हियर, ठीक है ये डिस्टेंस। तो हमको सेंटर फाइंड आउट हो गया, सी। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया। सो दिस इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दिस इज द रेगुलर व्यू। एंड नेक्स्ट इज रिवर्स व्यू, अगर हमको इसका रिवर्स व्यू बनाना है देन सी है। तो बॉटम फेस यहाँ पे टॉप फेस दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको बॉटम फेस दिखेगा, दैट इज द रिवर्स व्यू। सो स्टूडेंट एनी क्वेश्चन टिल हियर, एनी डाउट? ओके सो आइसोमेट्रिक एलिप्स, तो अभी तक जो ड्रॉ किया वो क्या हुआ कि रेक्टेंगुलर बॉक्स कटिंग होल्स शो किया है। नाउ वी टॉक अबाउट दी आइसोमेट्रिक एलिप्स। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और सर्कल इज अपीयर एज एलिप्स, मतलब जो एक्चुअल में सर्कल होता है वो आइसोमेट्रिक में एलिप्टिकल शेप में शो होता है। ओके सो स्केचिंग स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स? लोकेट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। फर्स्ट लोकेट द सेंटर ऑफ द एलिप्स, मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द एलिप्स लोकेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स, यहाँ पे एलिप्स, यहाँ पे एलिप्स, सो थ्री एलिप्स इज देयर। ठीक है, सारे फेस पे एलिप्स। स्केच आर्क दैट कनेक्ट द
टेंजेंट ऑफ द पॉइंट। ओके ठीक है ना। अब ये देखिए, यहां से यहां तक ये आर्क ड्रॉ किया, इधर से इधर ये आर्क ड्रॉ किया। तो लेकिन इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो ये है। आपको ऐसे दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए इसको ए पॉइंट देते हैं, दिस इज ए, तो ए का सेंटर यहाँ पे है। और अगर ये बी है तो बी का सेंटर ये है, दिस इज बी। नेक्स्ट, अभी ये ड्रॉ किया, ठीक है। सिमिलरली ये सेंटर यहाँ पे और ये सेंटर यहाँ से ड्रॉ होगा। ओके, सिमिलरली अदर फेस पे भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, स्केच आर दैट कनेक्ट द टेंजेंट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने देखा कि ये कंप्लीट सर्कल ना होकर के ये इलिप्स है, लेकिन ये क्या है कि एक्चुअल में सर्कल रहता है जो आइसोमेट्रिक में इलिप्स फॉर्म में शो होता है। नेक्स्ट, फोर सेंटर मेथड इज यूजली यूज व्हेन ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक इलिप्स विद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो फोर सेंटर मतलब कि सारे आर्क के लिए, अगर फोर आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए फोर डिफरेंट सेंटर रहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, सेंटर 1 2 3 4, और फोर आर्क है तो फोर सेंटर है। तो यही आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। इफ फोर सेंटर मेथड इज यूजली व्हेन दी ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक इलिप्स विद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो हम फोर सेंटर का यूज करते हैं, लेकिन फ्री हैंड में क्या करते हैं? लोकेट द सेंटर ऑफ एन एलिप्स, कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्क्वायर। ओके ठीक है, स्क्वायर आइसोमेट्रिक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। बाइसेक फ्रॉम ईच टेंजेंट, अभी टेंजेंट को बाइसेक करना है, ठीक है ना। ये देखिए, आपका ये आपका टेंजेंट जो भी है उसको बाइसेक कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ का इसके सेंटर, इसके कॉर्नर से मिलाया, और इसका जो बाइसेक है वो इसके सेंटर से मिलाया, ठीक है ना। सिमिलरली ये सेम थिंग्स वी कैन डू अगेन अगेन अगेन, ठीक है ना। अभी ये देखिए, तो हमको 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। सेम पॉइंट हम अदर जगह भी लोकेट कर लेंगे। इन ऑल द फेसेस लोकेट फोर सेंटर, 1 2 3 4 सेंटर प्रोवाइड किया। नाउ सी, ये जो सेंटर है इसके लिए है, और ये जो सेंटर है इसके लिए है, ठीक है ना। ये सेंटर इस आर के लिए है और ये सेंटर इस आर के लिए है। सिमिलरली ओनली थिंग, ड्रॉ द आर्क विद दिस सेंटर एंड टेंजेंट टू द आइसोमेट्रिक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का यूज करके आइसोमेट्रिक इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ सी द एग्जांपल, देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट विद अ सेंटर होल। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट विद अ सेंटर होल, तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉमन पॉइंट लिया, दिस इज द कॉमन पॉइंट, और यहाँ पे ये शो किया, ठीक है। ये देखिए, प्लेट पूरा शो कर दिया आइसोमेट्रिक सेक्शन में। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल, ठीक है। तो सेम सेम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया टू ड्रॉ द दिस सर्कल। सी, एंड नाउ सी, तो ये जो है
तो ये तो हिडन लाइन है इसलिए ये दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर की ये एज शो होगी इसलिए यहाँ पे विजुलाइज है। सो इरेगुलर कर्व इन आइसोमेट्रिक मतलब रेगुलर कर्व नहीं है, सर्कल तो आपका रेगुलर कर्व हुआ, इरेगुलर कर्व है तो क्या करेंगे, जैसे ही इसी दी इरेगुलर कर्व। सो कंस्ट्रक्ट द पॉइंट अलोंग द कर्व इन मल्टीट्यूड लाइन। कर्व को कंस्ट्रक्ट कर दिया, देन ये पॉइंट फाइंड आउट किया, सेम पॉइंट हमको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट इजी भी मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स हम इस कर्व पे ले सकते हैं वो हमने ले लिए, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे है, तो सेम अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस से हमको यहाँ पे ये पॉइंट्स शो करना है। ठीक है, लोकेट दिस पॉइंट इन द आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये पॉइंट यहाँ से कैसे करेंगे हम, कंपास ले लेंगे, रोटर राउंडनर, और यहाँ से ये डिस्टेंस कट करते जाएंगे, टू पॉइंट्स हो गया सिमिलरली। ठीक है, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए ये पॉइंट, तो सेम पॉइंट हमको शो करते जाना है। ये देखिए एक डिस्टेंस पे, एक्स वाई डिस्टेंस, एक्स वाई डिस्टेंस, एक्स वाई डिस्टेंस, एक्स वाई डिस्टेंस, लाइक दैट। ठीक है ना, इनका एक्स इस सेंटर से कितना डिस्टेंस है और इधर से कितना डिस्टेंस है, इधर से कितना डिस्टेंस है, अगर हम क्या कहते हैं कि इसको एक्स ले लेते हैं, ये आपका एक्स है, तो वर्टिकल डिस्टेंस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स क्या रह जाएगी कि हमको इस पॉइंट को मिलाना होगा, स्केच द कनेक्टिंग लाइन, तो कनेक्टिंग लाइन इससे कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए। ओके, नाउ वी मेड द स्केच, स्केच हमारा फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, अपर फेस में, लोअर फेस में इसी तरह पॉइंट हो जाएगा, ये देखिए, तो लोअर फेस की लाइन को भी मिला दी, ये मैचेस। ओके, नाउ ऑब्लिक स्केचिंग। सो ऑब्लिक स्केचिंग आई स्टार्ट इन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, देयर इज एनी डाउट? आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स?